हाय गाइस, दिस इज एनकर फ्रॉम जिनर स्टडी चैनल। स्वागत है आपका जिनर स्टडी चैनल में। तो बात की जाए तो आज क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। तो आज है 12 दिसंबर 2018 और आज करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आपको रेलवे LP 72 में आने वाला है उसका प्लेलिस्ट मैंने बना लिया है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं जी। उसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, टेस्ट चल रहा है, MCQ चल रहा है जी। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट बनाए, अलग अलग प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखे हैं जी, और वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो करंट अफेयर डिस्कशन सीरीज चल रहा है एस सीरीज में है, जो प्रीवियस ईयर के या जो भी करंट के एग्जाम चल रहे हैं उनसे जो क्वेश्चन है करंट अफेयर के, उस क्वेश्चन को ही सिलेक्टेड किया गया है जी, और उसी से क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। तो वो सब जाकर आप वीडियो को देखें जी। चलिए आज क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जी, किसे स्विफ्ट इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है जी, तो स्विफ्ट इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में अरुंधति भट्टाचार्य को किया गया है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म आपको होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसके चेयरमैन कौन बनी है, तो अरुंधति भट्टाचार्य बनी है जी, जो क्या थी पहले SBI की क्या थी चेयरमैन थी, तभी ने नया नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं जी, और चलते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन अगला है, सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद का पुरस्कार किसको मिला है जी 2018 का। तो सबसे पहले किसको मिला, कोनी मोझी को राज्यसभा में सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद का पुरस्कार मिला है कोनी मोझी को, जो क्या है जी 13 दिसंबर 2018 को दिया जाएगा इनको जो सांसद में। तो ये राज्यसभा की हैं। तो यहाँ से हम लोग बढ़ सकते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें से किस राज्य से अग्नि 5 2018 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया जी, 10 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया। कहाँ से किया गया है, तो किस राज्य से किया गया है, तो उड़ीसा से किया गया है जी। बात की जाए तो अग्नि 5 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जी। तो अग्नि 5 क्या है जी, अग्नि 5 जो है आपको सरफेस टू सरफेस मिसाइल, मतलब क्या है जी जमीन से जमीन मार खाला है। इसका रेंज क्या है जी, तो 3,500 से 5,000 किलोमीटर तक इसका क्या है जी रेंज है। यही अब APJ अब्दुल कलाम जो आपको लॉन्च पैड से किया गया है जो उड़ीसा में है जी, ये किसके द्वारा किया गया है, तो DRDO और SFC द्वारा किया गया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन से इतना सब कुछ जाने, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं मैं उसको सारे को डिस्कस करते चलूँगा जी। तो इससे क्या होगा जी, आपको इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में आपको हेल्पफुल होगा जी। बात की जाए तो अपने सक्सेस के, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की कोशिश करें हर एक क्वेश्चन में जी। चलिए, 4 अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। देखिए जब क्वेश्चन आया तो ये देखिए 11 सितंबर लिखा हुआ गलत है, जो 11 क्या है जी दिसंबर है वो, तो समझिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब है जी, तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए जब भी क्वेश्चन डे वाले दिवस वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उस मंथ के हम लोग क्या करेंगे, जो भी दिवस के क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे जी, सारा का सारा रिविज़न करेंगे। तो चलिए हम लोग सारा का सारा रिविज़न करते हैं क्वेश्चन ऑफ दिसंबर मंथ के लिए करते हैं। तो 1 दिसंबर को क्या था जी, तो 1 दिसंबर को क्या था जी, एड्स दिवस था और BSF का 54वां स्थापना दिवस था। बात की जाए 2 दिसंबर को क्या था, तो वर्ल्ड कंप्यूटरलेस रेसी डे था, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे था जी 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को क्या था जी, नेशनल पीपल ऑफ डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग दिवस था जी, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। चलिए जी 4 दिसंबर को क्या था, इंडियन नेवी डे यानी नौसेना दिवस था जी। 5 दिसंबर को क्या था, सोयल डे था। 7 दिसंबर का क्या था जी, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, या 7 दिसंबर को ही स्वतंत्रता सेना झंडा दिवस भी मनाया गया जी, आर्मी फ्लैग डे भी मनाया गया। तो हम इतना क्वेश्चन अपडेट से इतने सारे क्वेश्चन इस मंथ के थे, हमने उसको क्या किया जी रिविजन किया और हमने उसको समझा जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं जी, अंतर्राष्ट्रीय अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको हम लोग
डिस्कस करते हैं। देखिए इससे हमको उस मंथ के हर बार जब भी क्वेश्चन उठ जाए आप उस मंथ के सारे क्वेश्चन को रिवाइज करें, जिससे क्या हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। इस वीडियो का हम लोग लाइक कर रखते हैं जी, 1500 लाइक कर रखते हैं टारगेट। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी अपने एक दिन का टारगेट फिक्स कीजिए और उसको अचीव कीजिए जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल में ही कौन सा देश वित्तीय कार्य टास्क फोर्स यानी FATF का पूर्ण सदस्य बन गया। तो कौन बना है जी? इजराइल बना है। बात की जाए FATF क्या है जी, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो क्या थे जी, करप्शन वगैरह से, फाइनेंस से, जो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड उसके लिए बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है जी। कहाँ है जी हेडक्वार्टर? कहाँ है इसका? पेरिस फ्रांस में है। तो अभी कौन इसका पूर्ण सदस्य बना है जी, कौन सा देश बना है? तो इजराइल बना है। हाल फिलहाल में कौन बना है जी? तो इजराइल बना है। इसको याद रखिएगा, FATF का क्या है जी फुल फॉर्म? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जी। इनमें से किसने अपने उपन्यास मारोमम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? कौन किया गया था? श्याम सुंदर बसर को किया गया। श्याम सुंदर बसर क्या है जी? तो श्याम सुंदर बसर जो है आपको उपन्यास मारोम जो है उनके संथाली भाषा में लिखी गई थे, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है जी। तो इसे देख सकते हैं कि संथाली भाषा था जो यहाँ पे, जो बिहार में संथाली, दो संथाली जातियों में क्या हुआ था, जो भी एक्शन हुआ था उसको उन्होंने उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन किया है जी। तो श्याम सुंदर बसर को क्या मिला जी? मारोम उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है जी। RBI के नए गवर्नर कौन है? तो RBI के नए गवर्नर शक्तिकांत दास बने जी। कौन बने हैं? शक्तिकांत दास। कौन से गवर्नर है जी? तो 25वें गवर्नर है RBI। बात की जाए RBI का फुल फॉर्म क्या होता है जी? तो अभी उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए क्या कौन बने जी? शक्तिकांत दास नए गवर्नर बने। किसके द्वारा नियुक्त किए हैं? तो अरे हमारे गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं जी। तो 25वें कौन है जी? 25वें RBI गवर्नर है। बात की जाए तो RBI का फुल फॉर्म क्या होता था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, बैंकों का भी बैंक कहा जाता है जी, बैंकर्स ऑफ बैंक कहा जाता है इंग्लिश में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो मुंबई में है। राष्ट्रीय इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था जी? तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ था जी? तो 1949 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हम लोग इतना सीखे थे और यही हम लोग का कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन पे जो भी क्वेश्चन आएगा रिलेटेड, जो भी एग्जाम में पूछा जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे, तो इससे क्या होगा हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जी। यही हमारे करेंट अफेयर डिस्कशन का मेन पर्पज़ भी होना चाहिए, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, बेनिफिट उठा सकें। चलिए जी आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। भारत और एशियाई बैंक ने किस राज्य में पर्यटन परियोजना के लिए $31 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? $31 मिलियन से कौन किया है? तो EDB। EDB का क्या नाम है जी? एशियाई डेवलपमेंट बैंक होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। इस किससे के साथ किया गया? तो तमिलनाडु के साथ किया गया है। भारत ने क्या किया जी? ऋण लिया है और इससे क्या करेगा वो? पर्यटन परियोजना जो है राज्य में क्या करेगा? इस्टेब्लिश करेगा। क्या करेगा? पर्यटन परियोजना राज्य में इस्टेब्लिश करेगा जी। दिल्ली में 115वें ऑल इंडिया आगा खान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2018 किस टीम ने जीता? देखिए कभी भी पूछा जाएगा आगा हॉकी, आगा खान गोल्ड कप किस में दिया जाता है? तो हॉकी टूर्नामेंट में दिया जाता है जी। याद रखिएगा हॉकी टूर्नामेंट में दिया जाता है। ये हॉकी टूर्नामेंट का आगा खान गोल्ड कप किसने जीता है जी? तो सेल हॉकी अकेडमी जीता है, सेल हॉकी अकेडमी जीता है। सेल क्या है जी? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड फुल फॉर्म क्या है जी? ये आपको गवर्नमेंट की क्या है जी? PSU है। सेल क्या है जी? गवर्नमेंट की PSU है जो क्या होती है? स्टील प्रोड्यूस करती है। तो इसके बारे में हम लोगों ने इतना जाना जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं जी। एयर स्टाफ चीफ एयर चीफ मार्शल BS धनवा या बीरेंद्र सिंह धनवा, BS धनवा या बीरेंद्र सिंह धनवा भी बोलते हैं, 10 से 14 दिसंबर 2018 तक इसमें सबसे किस देश के यात्रा पर थे? तो किस देश की यात्रा पर निकले हैं 10 दिसंबर से 14 दिसंबर के लिए भी? तो जापान के लिए यात्रा पर निकले हैं। चलिए क्वेश्चन अपडेट डे की बात करते हैं। कल जो क्वेश्चन हम लोग पूछे थे, COP24 की बैठक कहाँ आयोजित की थी? तो COP24 की पोलैंड में आयोजित की गई थी। तो आपने सबने इसका आंसर सही दिया है जी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो अगले क्वेश्चन में आज का सवाल है जी, खेलो इंडिया यूथ गेम का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। मैं इस वीडियो का लाइक करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें जी,
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ रिकमेंड करें ताकि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके और इस चैनल को भी ग्रोथ किया जा सके। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर लाइफ। वीडियो को, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें।